भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। अपनी बहन को बचाने के लिए एक भाई किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिली है तेलंगाना में, जहां एक 10 साल के बच्चे की हिम्मत और जज्बा आपके दिल को छूलेगा। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे की, जिसने अपनी बहन सकीना बेगम के ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए चिड़ियों का खाना बेचना शुरू कर दिया। 10 साल के बच्चे के माता पेंटिंग का काम करते हैं, जिससे वह घर में दो वक्त की रोटी ही बन पाती है। 2 साल बड़ी बहन को जानलेवा बीमारी ब्रेन कैंसर है। अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर बालक ने सड़क किनारे टेबल पर चूड़ियों के खाने की चीजें बेचना शुरू कर दिया और अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे जुटाने में लग गया। मगर इतने छोटे बच्चे को कहां पता है कि इस कमाई से बहन की बीमारी का इलाज कैसे हो पाएगा। सकीना की माँ बिल्किस बेगम ने बताया कि सकीना की जांच के दौरान 2 साल पहले पता चला कि सकीना को ब्रेन कैंसर है। हम सरकारी से अन्य सहायता नहीं मिली है, हमें केवल रेडिएशन थेरेपी तक ही सरकारी धन मिला। इलाज की दवाइयाँ बहुत महंगी है। उन्होंने आगे बताया कि बेटा इसलिए चिड़ियों के खाने की चीजें बेचता है ताकि घर में कुछ पैसे आने लगे और थोड़ा बहुत इलाज हो जाए। भारत भले ही कितना भी आधुनिक देश क्यों ना बन जाए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। भारत में बाल श्रम कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही ना जाने कितने छोटे बच्चे होंगे जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर देते हैं। बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर की, जिसके बाद लोगों ने परिवार की मदद की इच्छा भी जताई है और कुछ लोगों ने सरकार द्वारा आर्थिक मदद कैसे मिल सके यह रास्ता भी बताया है।